ये वाला वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ से चलेंगे वेडिंग व्हील, थोड़ा सा बाहर में भी वहाँ भी शूट कर लेंगे, तो कंटिन्यू बने रहे। और भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, ये कैमरा पकड़ेगा मतलब फ़ोन ये वाला से करेगा, तो चलो है ना। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अंदर जा रहे हैं और परमिशन हम लोग ले चुके हैं मैनेजर साहब से। और ये देखिए भाई अभी गाड़ी अंदर कर लो। सो चलिए चलते हैं भाई, कैसा लग रहा है वेडिंग वेल, कैसा लग रहा है? हाँ बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं मैं विनोद बिहारी चौक के पास हूँ, और आज संडे है तो थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने के लिए। तो सबसे पहले एक भाई है जो कि वो शायद आ रहे हैं, तो मैं रास्ते में हूँ तो मैं उनके जा रहा हूँ रिसीव करने के लिए। और वो भाई से मैंने सोशल मीडिया से कॉन्टेक्ट किया था, तो चलिए चलते हैं उनको पहले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। और फ्रेंड्स बताना कि क्वालिटी आज कैसा है, क्योंकि मैं एक फ़ोन ले लिया हूँ वन प्लस, तो उसी से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग क्वालिटी बताना। और एक भाई अभी मेरे साथ जा रहा है, ये अभी बाइक चला रहा है, तो चले चलेंगे वहाँ से फिर उनको लेने के बाद बिरसा मुंडा पार्क, थोड़ा सा इंजॉय विंजॉय करना। संडे में किस तरह की भीड़ रहा तो अभी दिखाएंगे, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। भाई मिल गया, वही भाई है। चलो गाड़ी देख लो गाड़ी, ये देखिए भाई, अरे बहुत ज़्यादा इधर ट्रैफिक रहता है भाई। घूमेंगे? हाँ घुमाना, रुक जा। कैसे? बढ़िया बढ़िया। चलिए चलना, गर्मी बहुत है। सो भाई आ गए हैं, देखिए इधर। हेलो। थोड़ा सा ये बैक नहीं हो रहा है कैमरा, ये डायरेक्ट एक बार मेरा जो पहले का फोन उसमें बैक हो जाता है, बढ़िया फोन में नहीं। गर्मी है, आप देख सकते हैं कितना पसीना है, और लेकिन काफी उमस वाला, लेकिन क्वालिटी बहुत हार्ड आ रहा है ऐसा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स करके बताना, क्योंकि नया फोन से ही ब्लॉग शूट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि अभी चल रहा है IPL, और इस सीजन में आप लोगों को मैं एक अच्छे एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। इस एप्लीकेशन में आप फास्ट डिविजिट करने पर आपको मिलता है 25,000 का बोनस, और यहाँ पर आप मैच देखकर और खेलकर प्रेडिक्ट कर अच्छा खासा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर है ब्रैंडन मैकलम। तो ड्रीम इलेवन टीम बनाकर मोस्ट बेट फैंटेसी पर 60 रुपीज का कैशबैक मिल जाता है। पेमेंट मेथड फोन पे गूगल पे UPI। तो चेकआउट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली भाई के साथ, सूरज भाई के साथ जा रहे हैं पार्क, देखते हैं संडे का क्या सीन रहता है। और भाई कैसा लग रहा है मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है मिलके, और संडे को तो काफ़ी भीड़ रहता है, अब देखते हैं इस संडे में क्या होता है। तो इसमें एक फंक्शन है कि फ्रेंड्स ये फ्रंट तुरंत नहीं होता, और मेरा सैमसंग वाला में मतलब सेल्फी और फ्रंट मतलब दोनों साइड हो जाते हैं फोन में चलते चलते, बट ऐसा नहीं, इसके लिए फिर ये वीडियो को बंद करना पड़ेगा, फिर पीछे दिखाते। तो चलिए फिलहाल गाड़ी को रखते हैं पार्क में कहीं पर, और पार्किंग इधर है, पार्क उधर है सामने में, इधर भी पार्क ऐसे दिखाना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पर कहीं पर रखते हैं, क्या सुरेश भाई? हाँ एकदम एकदम। फ्रेंड्स ये हो गया बिरसा मुंडा का गेट, और पार्किंग में गाड़ी तो उतना ज़्यादा खास है नहीं, लग रहा संडे है, और भाई उधर टिकट कटा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर टिकट का कुछ शुल्क है, देख सकते हैं। सो चलिए अब चलते हैं आगे, चलेंगे फिर इधर से एंट्री गेट हो गया, टिकट कटा लिए, टिकट कट चुका है। चलिए सो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं, मतलब पार्क में कुछ तो मिला नहीं, बट वहाँ पर एक शूट चल रहा है, ये धनबाद था ना बोल के शूटिंग का बात, तो हम लोग वहाँ पर फीडबैक मांगे, तो बोला भाई ये फिल्म में रिलीज होने वाला है, मतलब डायरेक्ट ये हॉल पर रिलीज होगा, यूट्यूब चैनल वन में नहीं आएगा। बट उन लोग का क्वालिटी देख के लग रहा है कि वैसा फिल्म विल्म नहीं है, नॉर्मल सा वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, मतलब शौक सा होता है ना कि एक दो वीडियो शूट कर लाना, वीडियो बनाना होगा चैनल में ही आएगा यूट्यूब में, क्योंकि उन लोग का जो कैमरा का मॉडल था शायद कैनन 200D Mark II था, शायद लेंस थोड़ा लगाया था वो 50mm का लेंस था ना, तो बस वही है नॉर्मल सा। तो काफ़ी वहाँ से थोड़ा सा बातचीत हुआ, तो मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा सोचा फीडबैक भी ले लेंगे, बट वैसा कुछ नहीं आया क्या भाई, और पहचान भी नहीं रहते, बट बिरसा मुंडा पार्क आए और हम लोग को पहचाने नहीं, हम लोग क्या भाई तो लोकल से है ये भी है, ये तो थोड़ा दूर हो जाता है, बट हमको ज़रूर पहचान लेते अगर बिरसा मुंडा में लोकल कोई रहते हैं। तो चलिए फिलहाल एक राउंड इधर हम लोग घूमेंगे, और हम लोग रील्स बनाएंगे, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, देख सकते हैं बिरसा मुंडा पार्क का, और शांत वातावरण क्या भाई? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, शांत शांत है, और हम लोग को रील्स वगैरह भी बनाने में मज़ा आएगा यहाँ पर। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर कुछ जो यहाँ का फेमस चीज़ है वो थोड़ा सा दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स उस जगह पर देख सकते हैं, ये सब जगह में कपल्स का है, तो वहाँ पर देखिए बैठा हुआ, बट मैं पीछे से ले रहा हूँ ताकि मैं उन लोग का जो कि फेस वायरल नहीं करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर देखिए एक बैठा हुआ जूम आउट जो करें सामने में ब्लर हो जा रहा, और उधर भी है, तो ये बिल्कुल ये कपल्स का जगह है, और ये तालाब सूख चुका है। सो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करना, हम लोग को थोड़ा सा रील्स वील्स बना लेते हैं क्या भाई, तो कंटिन्यू बने रहे। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे अभी, बोल रहे थे एक जगह हम लोग चलेंगे वेडिंग बेल में, वहाँ पर भी हाँ वेडिंग बेल मतलब देखते हैं वहाँ पर रील्स वगैरह, वहाँ का लोकेशन अच्छा है इसीलिए रील्स वगैरह अच्छा बनता है, तो इसलिए।
तो चले फिर यहाँ पर बनाते हैं। क्या भाई अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर एक रील्स बनाते हैं, देखते हैं कैसा होता नहीं होता। आप लोग कमेंट्स करके बताना, क्योंकि भाई को अच्छी तरह आता है डांस, तो थोड़ा सा सीखते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। आप लोग कमेंट्स करके बताना। तो यहाँ करेंगे ये वाला वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ से चलेंगे वेडिंग व्हील थोड़ा सा बाहर। तो फाइनली हम लोग का रील शूट हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं, बट हमारे यहाँ को पहचानने वाला आज मिला ही नहीं कोई की सब्सक्राइबर। आपका है पता नहीं, बिरसा मुंडा में तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई को पहचान रहा ही नहीं कोई, आज ऐसा दिन है था। तो चलिए चलते हैं अब वेडिंग वेल, कंटिन्यू बने रहे हमारे फ्रेंड्स। फाइनली देख सकते हो बड़ा सा जो दिख रहा है वेडिंग वेल है, देखिए सामने मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए वेडिंग वेल। सो यहीं पर हम लोग एक दो वीडियो बना लेते हैं, काफ़ी अच्छा आप लोग बताना। देखिए यहाँ से मेन गाड़ी मतलब वो रोड बनने के बाद काफ़ी अच्छा लोकेशन में आ जाएगा, और शादी उदी जब भी होता तो काफ़ी अच्छा यहाँ दिखता है माहौल। सो ये देखिए वेडिंग वेल। सो चलिए देखते हैं एक बार, थोड़ा सा अंदर जाने का परमिशन होगा तो रुकिए। सो चलिए कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अंदर जा रहे हैं और परमिशन हम लोग ले चुके हैं मैनेजर साहब से, और ये देखिए भाई अभी गाड़ी अंदर कर लो। सो चलिए चलते हैं भाई, कैसा लग रहा है वेडिंग वेल, कैसा लग रहा है? हाँ बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और हम लोग अभी जा रहे हैं वेडिंग वेल के अंदर में ही बनाएंगे, बाहर में शूट नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर हम लोग परमिशन वगैरह ले लिए हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप शूट कर सकते हैं, क्योंकि भाई का चैनल है बहुत ही फेमस है। मतलब गए तो अच्छा लगा कि थोड़ा सा रिस्पांस दिया, कि मैंने बताया कि 1,00,000 सब्सक्राइबर है तो बिना पूछे कहीं भी भाई वीडियो शूट नहीं कर सकते। सो ये देखिए कुछ ऐसे यहाँ का व्यू है, तो मैं बैक से दिखा रहा हूँ किस तरह का, और यहाँ भी एक दो रील्स बना लूँगा। सो चलिए कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। सो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं ये है वेडिंग वेल, और काफ़ी अच्छा ये मैरिज हॉल है इधर देख सकते हैं, और यहाँ बहुत ही अच्छा लोकेशन है शादी के लिए। अब मैरिज हॉल है तो यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर बताना, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। और काफ़ी अच्छा प्लेस है इधर देख सकते हैं, इधर बहुत ही अच्छा मतलब पार्टी वूटी जो भी इधर करना है इधर भी कर सकते हैं, स्पेस है और शूटिंग भी यहाँ पर हो रहा है। सो ये देखिए कुछ व्यू इधर से काफ़ी मस्त है, तो हम लोग यहाँ पर एक दो रील्स बनाते हैं। पूरा खुला जगह, काफ़ी अच्छा बिल्डिंग भी है। सो चलिए चलते हैं वो साइड भी दिखाएंगे आप लोगों को, कैसा लग रहा है भाई प्लेस? बहुत मस्त लग रहा है, अच्छा जगह है ना? बहुत अच्छा है, और लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है, और नाइट में तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पर। शादी उदी का जब होता है पार्टी सेटअप वटअप यहाँ तैयार हो जाता है तो काफ़ी अच्छा। सो हम लोग एक दो वीडियो यहाँ पर बनाते हैं, सुबह चलेंगे फिर। फाइनली हम लोग का रील शूट हो गया, और दोपहर का टाइमिंग हो रहा है, इसके लिए अब घर निकलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा प्लेस है यहाँ देखने के लिए देख सकते हैं। तो हम लोग एक फ़ोटो लेंगे उसके बाद निकलेंगे। और चलो भाई कैसा लगा बता? बहुत मज़ा आया आज सुमित भाई के साथ, बहुत मज़ा आया, और फिर नेक्स्ट टाइम भी अगर मौका मिलेगा तो हम लोग आएंगे ज़रूर रील शूट करने के लिए। सो हम लोग वहाँ पर बाइक खड़ा किए हैं, हम बाइक लेकर भाई उधर से, और ये भाई भी आया था साथ में, तो चलो फिर बाइक कर दो भाई सभी को, इधर बाइक करो भाई। भाई काफ़ी मज़ा आया, लोकेशन बहुत बढ़िया था, और अभी हम लोग किसी को खास लेने के लिए मतलब यहाँ पर आएंगे शूट करने के लिए किसी और को। इनका चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा इंस्टा आईडी में जरूर फॉलो कीजिएगा, सूरज कुमार ऑफिशियल है मेरा इंस्टा आईडी। और आज का क्वालिटी के बारे में बताने की क्वालिटी भाई कैसा आ रहा है, और देखिए व्यू यहाँ का काफ़ी खतरनाक है, अमेजिंग व्यू बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो बाय बाय।